हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीपी लिंक के एक्सेस पॉइंट को हम ब्रिज मोड में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जिन लोगों को ब्रिज मोड का नहीं पता, उनके लिए मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता चलूँ कि ब्रिज मोड क्या है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम तैयार की है, तो आइए उस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि ब्रिज मोड क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्ज कर लीजिए, आपके घर में दो रूम है, एक रूम ए है और एक रूम बी है। रूम बी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे है और रूम ए जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। अब जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम ए है उसमें एक वायरलेस पीटीसीएल राउटर मौजूद है, लेकिन जो उसके वाईफाई रेंज है वो रूम बी तक नहीं पहुँच पा रही। इसका मतलब है कि रूम बी में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्सेस पॉइंट चाहिए, जो कि किसी भी कंपनी का हो सकता है। मेरी इस वीडियो में मैं टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। तो टीपी लिंक के एक्सेस पॉइंट को हम ब्रिज मोड पे कॉन्फ़िगर करते हुए रूम ए की सिग्नल्स को एक्सटेंड करते हुए रूम बी तक इंटरनेट को पहुँचाएँगे, और ये सब हम करेंगे ब्रिज मोड के ज़रिए। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि हम ब्रिज मोड टीपी लिंक के एक्सेस पॉइंट पर कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास दो फिजिकल राउटर्स मौजूद हैं, एक PTCL और एक टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट। आप मेक श्योर कर लें कि दोनों ही पावर ऑन मोड में हो और आपके लैपटॉप की या जो पीसीबी आप जिस पे आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं उसकी रेंज में हो। तो आप देख सकते हैं कि टीपी लिंक यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। मैं इसको कनेक्ट करूँगा। आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड रिक्वायर करेगा। मैं ऑलरेडी पासवर्ड ऐड कर चुका हूं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप राउटर की टीपी लिंक के राउटर की बैक साइड पे वो पासवर्ड यहां से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर करेगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से जाके देखेंगे कि हमें कंप्यूटर पे क्या आईपी मिला है, फिर उसकी मदद से हम इसको ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है लेकिन इसमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए हमें उसका आईपी रिक्वायर है, जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग की कमांड से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे में आईपी आ रहा है उसी आईपी की मदद से हम इसको एक्सेस करेंगे। सेम आईपी मैं ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखूंगा। जैसे ही मैं आईपी टाइप करूंगा, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने आईपी टाइप किया एक वेब पेज मेरे सामने आ गया जो मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए और ये आपके क्विक सेटअप की स्क्रीन आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर नेक्स्ट करेंगे। इस ऑप्शन पर आपने नो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट। यहाँ पे आप यस नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो फिर आपसे यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर करेगा, जो कि अभी हमारी सेटिंग्स के लिए हमें नहीं चाहिए। इस पर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, मेरे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ब्रिज की। आप देख सकते हैं इसके बारे में मज़ीद आप पढ़ सकते हैं कि ये किस लिए है। हम यहाँ से ब्रिज विद एपी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इस पेज पे हमने वायरलेस ब्रिज की सेटिंग्स करनी है। उसके लिए हम सर्वे के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अपने सराउंडिंग में जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको स्कैन करके आपको सर्च करके दिखा देगा। आप देख सकते हैं कि हमारा PTCL राउटर भी यहाँ पे मौजूद है। हम PTCL राउटर को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने कनेक्ट किया उसने ऑटोमेटिकली उसकी सारी सेटिंग्स वहाँ से ग्रैब कर ली, लेकिन जो वायरलेस पासवर्ड है आपके PTCL राउटर का वो हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। आपने वायरलेस का पासवर्ड पास किया तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी अपनी जो टीपी लिंक की डिवाइस है उसकी सेटिंग्स आ गई। उसमें हम अपना SSID चेंज कर सकते हैं। आप SSID टाइप करेंगे यहाँ पे, और SSID के बाद आपने वायरलेस पासवर्ड टाइप करना है। मेक श्योर कि आप पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग चूज़ करें। जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पज़ मैं नॉर्मल सा पासवर्ड रख के इसको नेक्स्ट कर दूँगा। और लास्ट में आप DHCP की सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा स्टैटिक आईपी, क्योंकि हम टीपी लिंक पे DHCP को इनेबल नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम सेम रेंज का आईपी ऐड करेंगे जो कि आपके PTCL वायरलेस राउटर पे चल रहा है। मेरे PTCL वायरलेस राउटर पे
1 की रेंज का आईपी है, सो मैं यहाँ पे इसको 0 पे चेंज करके 1 कर दूंगा। और टीपी लिंक के डीएससीपी सर्वर को हम डिसेबल कर देंगे। जो भी ऑटोमेटिक आईपीज होंगे वो डायरेक्टली पीटीसीएल के वायरलेस राउटर से असाइन होंगे। सो इसको हम डिसेबल करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट किया, ये एक कंप्लीट समरी दिखा रहा है जो हमारी सेटिंग्स हमने अभी तक की हैं। आप उन सेटिंग्स को डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप देख सकते हैं कि सारी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं जो सेटिंग्स हमने अभी इस पर की हैं। जैसे ही आप इस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करेगा और टीपी लिंक के राउटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि टीपी लिंक का राउटर रीस्टार्ट हो रहे हैं। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने की हैं उस सबको सेव करेगा और राउटर को कम्प्लीटली रीबूट कर देगा। जैसे ही रीस्टार्ट होगा, मेरे वायरलेस की रेंज में ऑटोमेटिकली न्यू नेम के साथ वो शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टीपी लिंक नेट के नाम से मुझे दिखा रहा है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा और वाईफाई का पासवर्ड ऐड करूंगा और नेक्स्ट। अब ये इसको कनेक्ट करेगा। टीपी लिंक नेट कनेक्टेड है और अब हम चेक कर लेंगे कि टेस्ट करेंगे कि नेट इंटरनेट ब्राउजिंग हो रही है या नहीं। broexpert.com इंटरनेट ब्राउजिंग प्रॉपरली हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रिज जिस मोड पे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था वो प्रॉपरली काम कर रहा है। हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे सब सेटिंग्स दोबारा से टीपी लिंक को लॉगिन करके। आप देख सकते हैं कि वायरलेस जो है वो ब्रिज मोड में कॉन्फ़िगर्ड है और वो पैकेट सेंड एंड रिसीव कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।